हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? तो आज मैं आपको मिल रही हूँ लंच के बाद, और आज पता नहीं सुबह किसी काम में थोड़ा बिजी थी, कुछ रमेश ने काम दिया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन का, तो बस उन्हीं सब में लगी हुई थी मैं। तो अब जाके लंच वंच करके, और आज मेरा नहाना भी अब बहुत लेट हो गया, आज लंच के बाद ही मैंने शावर लिया है, और जस्ट अभी अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और वो रहा लड्डू, और लड्डू ने अभी अभी इतनी सारी हल्दी गिरा दी है, कल हींग गिराई थी, और पता नहीं क्या है इसका, कुछ ना कुछ ये गिराता ही रहता है। वो ना इंस्टाग्राम पे एक रील बड़ा वायरल हुआ था ना, लोगों के होते होंगे बाबू सोना, हमारा तो तालिबान है भाई, तो वो वही तालिबान है ये मेरे घर का, कुछ ना कुछ तबाही करता रहता है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ आज सुबह बस पता नहीं किन कामों में मैं बिज़ी रह गई, और तो अब स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। अभी जस्ट शार लेके आई हूँ ना, तो बाल एकदम गीले हैं, और आज मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ, तो मन कर रहा था कि ऐसे धूप में भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ, और धूप बहुत अच्छी है, मतलब रोज़ धूप के साथ साथ हवा भी होती है, लेकिन आज धूप है, पूरा पता चल रहा है कि अब विंटर को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। ओ टकलू, लड्डू हेलो किया आपने? है वो नहीं, हेलो है वो, है वो क्या होता है? लड्डू तकली तो दिखा दो, अपनी तकली तो दिखा दो। ये ना वो लगता है, ये वो मॉन्ग्स होते हैं ना छोटे छोटे, ये वो लगता है टकला होने के बाद। क्या पिला दूँ? अच्छा ये लो लड्डू, ये क्या है? जैकेट है, जैकेट जैकेट। देखो कितनी चोर की, इसको चोट लगी है, पता नहीं क्या करके आया, उसकी हालत देखो। बाहर थोड़ी देर खिलाने के गई थी, चल मैं बैठ जाऊंगी और ये थोड़ा खेल लेगा, हालत देखो। अभी चेंज करके लेके गई थी तो ये हाल है, ये देखो। चल चेंज कर और सो चल मेरे साथ, चल सुनाऊं तेरे को, चल चल आराम से बैठो। बच्चू तो जब ये भी लड्डू ले ले, लड्डू ले, आली बावली अरे तो लेने लग गया। नहीं नहीं आंटी को भी गिरा दे, पारी कर लो, उंझ पारी कर लो, पारी कर लो, पुच्ची कर दो, पुच्ची कर दो। हाँ ओली बावली, तो तेरी बहन हो गई है तो लड्डू, ये तेरी तो बहन हो गई सुना, कितनी क्यूट है। लड्डू कौन है? बेबी बेबी कौन है बोलो? बेबी है, बेबी दीदी है, दीदी दीदी। तो ये जो आंटी आपने देखी ना, ये हमारी नेबर है, दो तीन लेन छोड़ के इनका घर है, तो इनका घर अभी ना बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और इन्होंने देखिए इतना सारा पोर्शन जो है वो गार्डनिंग के लिए छोड़ा हुआ है। ये है इनका डॉगी, और इन्होंने अपने गार्डन में ना बहुत कुछ लगा रखा है, बहुत बड़ा सा नींबू का पेड़ है, मेथी है, बनाना ट्री है, सरसों लगा रखी है, और एक्चुअली ये वाला जो प्लॉट इन्होंने जहाँ से ख़रीदा है वो किसी नर्सरी का ही, मतलब ये प्लॉट था, नर्सरी थी इसमें, इसलिए इसमें पहले से ही बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये मतलब पिछले वीक की क्लिप है, तो ये कहीं ना कहीं मैं ऐड करना भूल गई थी व्लॉग में, तो इसलिए आज ऐड कर रही हूँ। मैंने बोला बहुत स्वीट क्लिप है, ये मिस नहीं होनी चाहिए, तो ज़रूर बताना कैसा लगा। सो गया लड्डू, सच में आज यहाँ उसके ना कट पड़ गया बहुत ज़्यादा, और मतलब खून निकला है, लेकिन अभी उसको सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई थी, लेकिन बच गए हैं 6। अभी चाय कॉफ़ी कुछ बनाते हैं और फिर शाम की तैयारी करूँगी। आज शाम को सोच रही हूँ थोड़ा सा अच्छा बनाऊँ कुछ, पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया। अभी तो जस्ट अभी मैंने पाउडर बनाया, धनिया पाउडर,
मैं कभी भी पाउडर खरीदती नहीं हूँ, मतलब मॉम से सीखा है, मॉम भी कभी खरीदती नहीं है। हम क्या करते हैं, जो साबुत धनिया लेके आते हैं उन्हीं को ही थोड़ा सा रोस्ट करके और फिर पाउडर बना देते हैं। तो आज ख़त्म हो गया था तो मैंने अभी लग रहा ग्राइंड कर लिया, अभी शाम की तैयारी में लग रही हूँ। तो मैं कह रही थी ना कि आज डिनर में थोड़ा डिफरेंट बनाने का मन है, तो मैंने सोचा कि आज बनाया जाए मोगलाई पराठा, मतलब ट्राई किया जाए। ये कोलकाता की बहुत ही फेमस एक डिश है, मैंने इससे पहले आज कभी ट्राई नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। और साथ में ना कल की बनाई हुई पनीर जो मैंने दिखाया था कल के व्लॉग में, तो पनीर की सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत बना लेंगे। हालांकि मुगलाई पराठा के साथ आलू की एक अलग सी एक मतलब टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है, लेकिन हम पनीर बना रहे हैं। तो मेरा मन था थोड़ा पनीर टिक्का टाइप कुछ साथ में हो जाए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मॉम एक बहुत अच्छा पनीर का रेसिपी बनाती है, तो मॉम ही बना रही है पनीर की सब्ज़ी, और मैं मुगलाई पराठा और वो सारी चीज़ें देख लूँगी, पनीर की सब्ज़ी बनाएगी मम्मी। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये कल जो मैंने पनीर बनाया था ये वही पनीर है, फुल जहा सेम सेम। चलो ये पनीर के लिए मोटा मोटा प्याज और मोटी मोटी शिमला मिर्च काट के तैयार करके रख दी है। और पनीर कैसे काटनी है मेरी मम्मी, ये वो जो मोटे कटे कटे प्याज थे वो सब कढ़ाई में ऐड कर दिया। तो अनियन अच्छे से ना सॉटे करने के बाद थोड़ा सा गोल्डन हो गया, उसके बाद ऐड कर दी है जिंजर, और अब ऐड कर देंगे कैप्सिकम। तो सारी चीज़ें अच्छे से सॉटे कर लिया, हल्का हल्का ब्राउन हो गया, और अब ऐड कर देंगे पनीर। और पनीर थोड़ा सा ऐसे बड़े बड़े साइज में ही कट किया है, और ये चार टमाटर इस तरीके से कट करके वो भी ऐड कर देंगे। थोड़ी देर कुक होने के बाद हल्दी डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, आज तो लाल मिर्च बनती है नहीं मम्मी, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा कुक होने देंगे। हींगी नहीं है, कल लड्डू ने फेंक दिया, वही तो इसका रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है, आज कल हींग फेंकी है, आज हल्दी फेंकी है, थोड़े दिनों पहले नमक फेंका था, पता नहीं क्या है। तो पनीर की सब्जी बनके तैयार है, अब मैं बना रही हूँ मुगलाई पराठे की स्टफिंग। तो मैंने बहुतों को देखा है, मतलब मैंने जितने वीडियोस वगैरह भी देखे हैं, तो अंडे के साथ साथ, अंडा तो होता ही है, उसके साथ साथ कीमा वगैरह भी ऐड करते हैं, उसकी एक अलग से स्टफिंग बना लेते हैं। लेकिन रमेश का तो पता ही है, वो ये सब नहीं खाता, तो मैं उसके लिए थोड़ा वेज तरीका निकाल रही हूँ। मैंने क्या किया, ये न्यूट्रेला को ना बॉइल करके ऐसे कर लिया है, मतलब ग्रैनुलर बना लिया है, तो बस इसको थोड़ा बहुत करके मैं स्टफिंग बना लूंगी। ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, और मैं मोमोज के लिए भी एग्जैक्टली सेम ही करती हूँ, क्योंकि चिकन मोमोज वगैरह जैसे हम बाहर खाते हैं, रमेश नहीं खा पाता है, तो उसके लिए मैं ऐसे ही बना के रेडी करती हूँ।
तो अब मैं आटा करूँगी। तो मैंने कम्प्लीटली मैदा लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल ले लिया है और ले लिया है नमक, और बस जस्ट आटा जैसे करते हैं वैसे ही करना है। आटा लग चुका है, इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के ऐसे करके मैं रख दूँगी। ऊपर से कवर करके रख दूंगी। मॉम सिर्फ एग करी खाती है और उसके अलावा मॉम किसी टाइप का एग रेसिपी नहीं खाती है, तो मॉम विल नॉट टेक दी मुगलाई परोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पनीर मैंने ग्रेट करके रखा है, उसमें थोड़ा बहुत मसाला देके मम्मी के लिए पनीर पराठा दे दूंगी। और उसके बाद अभी रमेश आएगा तब करूँगी। अभी हम लोग ना गहराई मूवी चला के बैठे हैं, देखा सुना था कि अच्छी मूवी है, देखते हैं कैसा है, लेट्स सी। मुबारक हो, मुबारक हो। मेरा लैपटॉप मेरा लैपटॉप ठीक हो गया इतने दिनों से। हो रहा है बाबू, क्या चार्जर में दिक्कत थी बस हैं? खोल कर देखिए तो नया हो गया है। काफी दिन से मेरा लैपटॉप ना ठीक होने को था, लेकिन बहुत टाइम लग गया ठीक होने में। और सिर्फ चार्जर में ही प्रॉब्लम थी ना रमेश? पहले देखा, हाँ सिर्फ चार्जर में प्रॉब्लम थी और हम सोच रहे थे कि शायद लैपटॉप गया, लेकिन ठीक है। एक्चुअली अब GoPro से शूट करना स्टार्ट करूंगी ना, तो मुझे अपना लैपटॉप ठीक कराना था। तो रमेश आ गया है, अब बनाएंगे मुगलाई पराठा। तो उससे पहले यहाँ मैं 5 अंडे ले ले रही हूँ, और इसमें मैं चॉप्ड अनियन ऐड करूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी, और थोड़ा सा ना रोस्टेड जीरा पाउडर मैं ऐड करूँगी, जो कि नॉर्मली हम लोग जैसे चाट वगैरह उन सब में डालते हैं, रायता में डालते हैं, और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ। तो बस इतना सा करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम लोग मुगलाई पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लोई ले ली है और बहुत अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे काउंटर टॉप में डायरेक्टली बेल रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सा बेलना होता है तो वो चकले में होगा नहीं। एंड आई हेट डूइंग दिस, क्योंकि मेरे को ना ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, अब वो चकले के बिना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा लंबा सा फैलाना है। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करके अच्छे से बेल लिया है, और स्टफिंग डाल ली है, फिर थोड़ा सा एग ऊपर से डाल लिया है, और अब इसको ना अच्छे से सील करना है। तो इस तरीके से मैं कुछ सील कर दे रही हूँ, और सील करने के बाद थोड़ा सा और मैं स्प्रेड करूँगी, थोड़ा सा और लंबा करूँगी, फैलाऊँगी, और बहुत पतला करके बेलना, ताकि जो मैदा है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। मोटा रहेगा तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो ये डाल दिया है मैंने फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई करूँगी तवे पे, मुझे नहीं लगता अच्छे से बन पाएगा, तो मैंने डीप फ्राई कर लिया। और अच्छे से फ्राई करने के बाद ये रहा मुगलाई पराठा। तुम्हारे 3-4 रहेंगे, तुमने 4 बोले थे। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा हो गए। वो कट ले जाते हो, कट करके। हां यार हो गया है, और बहुत अच्छा बना था, लेकिन बहुत हैवी था, मेरा तो एक में ही हो गया काम। ये लेफ्ट ही बनेगा रमेश, इसका लेफ्ट हैंड ही ज्यादा उठ रहा है। ये कौन है लड्डू? है ना रमेश? ओ रमेश, हाँ जी, ये लेफ्ट हैंड ही ज्यादा उठा रहा है, लेफ्ट ही बनेगा ये, है ना? लड्डू लिख के दिखाना, वो देखो लेफ्ट ही चलाता है। लड्डू राइट हैंड से करो, राइट हैंड से। ये मम्मी है, ये मम्मी है, ये कौन है? ये भी मम्मी है। ये तो ये कॉलेज किसने बनाया? ओहो मम्मी मम्मी, कितना पहचानता है ये मम्मी को। मम्मी
बेटा अबे मम्मी तेरी ऐसी नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रही मम्मी। ये मम्मी नहीं रही, मम्मी नहीं रही ये मम्मी तेरी। छोटे से बेबी लड्डू है क्या? मम्मी मोटी हो गई लड्डू, मम्मी मोटी हो गई। ये वाली फोटो बड़ी अच्छी लगती है, साड़ी भी बड़ी प्यारी लगती है मुझे। ये पापा है, ये है पापा। मम्मी को देख तेरी कितनी अच्छी।